हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आप सभी बहनों के साथ मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी हरितालिका तीज व्रत की नहाए खाए से लेकर व्रत तक की, पूजा तक की, पारण तक की संपूर्ण नियम विधि। मैं कैसे व्रत रखती हूँ और हमारे सनातन धर्म में इसी प्रकार तीज का व्रत रखा जाता है। तीज की पूजा विधि मैं पहले डाल चुकी हूँ, उसी पे आप सभी बहनों का बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि दीदी आप बहुत अच्छे से पूजा विधि बताई हैं, तो हमें नहाए खाए से लेकर पारण तक की नियम विधि बताइए, आप कैसे व्रत रखती हैं। देखिए, व्रत को लेकर हमें अपने मन में बहुत बड़ा भवंडल नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारा वीडियो देखकर, बहुत सारी बातें सुनकर अपने मन में खिचड़ी नहीं पकाना चाहिए, हम कैसे व्रत रखें, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बहुत सारी दुविधा अपने मन में कभी नहीं रखनी चाहिए। यथाशक्ति तथा भक्ति, कभी भी भगवान से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। भगवान सब समझते हैं कि आपके पास क्या है, नहीं है, आप किस कारण से ये नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप, जिन बहनों का ये प्रश्न था वो समझ गई होंगी, इस तरह की दुविधा आप अपने मन में ना पालें, जो भी आपके घर में है उसी से आप व्रत करें। तो चलिए, अभी मैं आप लोग को नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम बताती हूँ। इससे पहले दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा अपने चैनल पे लाते रहती हूँ। पूजा पाठ से जुड़ी बिल्कुल आसान सरल विधि जो हम सभी अपने गृहस्थ घर में करते हैं, तो ये सारी वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, अब हम जानते हैं हमें कैसे नहाए खाए से अपना नियम शुरू करना है। देखिए, नहाए खाए के दिन तो आपको सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर, अगर आप गुरुवार का व्रत रखती हैं तो बाल आप बुधवार को ही शैम्पू कर लीजिए, धो लीजिए। अगर आप गुरुवार को व्रत नहीं रखती हैं तो आप गुरुवार के दिन बाल धो सकती हैं। कभी भी वार से बड़ा त्यौहार होता है तो गुरुवार को आप बाल धो सकती हैं। ये भी दुविधा आपकी ख़त्म हो गई। अब हम नहाए खाए के नियम पालन करेंगे। कोई भी तामसिक चीज़ तो खाएंगे ही नहीं, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सब पैकेट वाली चीज़ें हम नहीं खाएंगे। उस दिन हमें हमारे अपने घर में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। सेंधा नमक में दाल, चावल, सब्जी, जो भी आपको बनाना है खाना, सेंधा नमक में बनाएं और ऑयली चीज़ कम खाएं। उस दिन सादा भोजन करें, जिससे आपको व्रत रखने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप एक बार करके देखिएगा, हम लोग इसी प्रकार से करते हैं। और पूरा दिन आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, पूरे दिन में आपको जितनी बार भूख लगे आप खाना खा सकते हैं। रात को थोड़ा जल्दी भोजन करके आप सोइए, क्योंकि सुबह आपको सर्गी के लिए भी उठना है। कुछ बहनें इसी में बोलती हैं, हमारे यहाँ सर्गी नहीं खाया जाता है, नहीं चलता है। तो देखिए, अगर नहीं चलता है तो आप अपने घर का नियम ही निभाइए, लेकिन अगर चलता है तो हमें सर्गी ज़रूर खाना चाहिए। देखिए, व्रत सभी व्रत का अपना अपना नियम होता है, तो सर्गी का भी एक अपना नियम है। सर्गी के नाम पर हमें कुछ भी खाना चाहिए, लेकिन ज़रूर खाना चाहिए। उठकर आप जो भी आपको इच्छा करता है ब्रश करके, देखिए सर्गी के लिए नहाना कोई ज़रूरी नहीं है। और सर्गी के लिए उठने का समय होता है 3 बजे से लेकर 3:30 बजे सुबह में। 4 बजे से हमारा ब्रह्मा मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो 4 बजे से पहले हमें सब कुछ खा पी करके निश्चिंत हो जाना है। जो गर्भवती महिला हैं वो 4, 4:30 बजे तक भी खा सकती हैं, उनके लिए सब कुछ माफ़ होता है। जो भी आपको दवाई वगैरह लेना है आप ले लीजिए 4 बजे से पहले पहले। 4 बजे के बाद आपको पानी भी नहीं पीना है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, 4 बजे से पहले आप पानी वगैरह पी लें, इस बात का खास ध्यान रखें। और उसके बाद हमें अपने व्रत के लिए तैयार हो जाना है। सुबह में, सुबह आप जब सो के उठते हैं, नहा धोकर हमें पूजा करना चाहिए। देखिए, व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं तो व्रत खंडित माना जाता है, तो इसीलिए किसी भी व्रत का संकल्प हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो सुबह उठ के नहा धोकर शिव पार्वती के आगे बैठ करके आप संकल्प लीजिए कि हे माँ पार्वती, हे शिव जी, बिना विधन के, हे गणेश जी, बिना विधन के हमारा व्रत जरूर पूर्ण करवाइएगा। ऐसी संकल्प हमें
जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद हम व्रत रखेंगे। देखिए 30 तिथि हमारी 3:01 तक ही है, उसके बाद चौठ हो जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम प्रदोष काल में शाम को ही पूजा करेंगे। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, हम सुबह तीज तिथि जब तक है तभी तक करेंगे। और 6 सितंबर दिन शुक्रवार को तो हमारा तीज है, ये आप सभी को पता ही होगा। इसके लिए बहुत सारा वीडियो मैं डाल चुकी हूँ पहले। तो उस दिन हमें यही चीज़ निभानी चाहिए कि देखिए, अगर हम तीज का व्रत रखे हैं तो हमें तीज तिथि में ही पूजा करनी चाहिए। हम चौठ में कैसे पूजा कर सकते हैं? ये भी नियम सही है कि हमें प्रदोष काल में तीज की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जब प्रदोष काल के समय हमें तीज का तिथि ही नहीं मिलेगा, मुहूर्त ही नहीं मिलेगा, तो हम पूजा कैसे कर सकते हैं? तो तीज तिथि हमारी 3:01 तक ही है, 6 सितंबर दिन शुक्रवार को। तो हम सभी बहनों को 3 बजे से पहले पहले पूजा पाठ कर लेना चाहिए। जो भी हमें श्रृंगार की सामान छूनी है, दान करनी है, वो सारा कार्य हमें 3 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीज तिथि नहीं है तो भी हम जबरदस्ती प्रदोष काल में ही पूजा करेंगे, नहीं। जब हमारी तीज तिथि मिले तभी हमें पूजा करना चाहिए, तभी हमें तीज व्रत का पूर्ण फल भी मिलता है। बिना तिथि का हम पूजा करेंगे तो क्या फल मिलेगा? उसके बाद आप जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिला, वो 3 बजे के बाद पानी पी सकती हैं, क्योंकि 3:01 से चौठ हो जा रहा है, तो आप पानी पी सकती हैं। जो लड़कियां नई नई पहली बार व्रत रखी हैं, उनसे अगर नहीं सहा जा रहा है तो शाम को सूर्यास्त होने के बाद पानी पी सकती हैं, क्योंकि चौठ तिथि शुरू हो गया है तो पानी पी सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। अपने पति के हाथों से पानी पी ले, हाथ पीछे करके पुरुष बनकर पानी पी सकती हैं। आप पूरे दिन व्रत रखिए, फिर पारण के लिए आपको सुबह ही उठना है। हमें ब्रह्मा मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, पारण करने के लिए सूर्योदय का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नहा धोकर फिर से शिव पार्वती की पूजा कीजिए, सुहाग लीजिए, और जो आप प्रसाद चढ़ाए हैं उसी से अपना तीज का व्रत खोलिए। भगवान गुजिया से पूजा करते हैं और वही गुजिया खाते हैं। सबसे पहले हम लोग पारण करने के लिए आंचल में चावल का सत्तू रखकर 5 बार उसको मुंह में डालकर पानी पीते हैं, गर्म पानी, तब अपना व्रत खोलते हैं। उसके बाद हम गुजिया, जो भी खीर पूरी चढ़ाए हैं, गुजिया वो सब खा के तब हम चाय वगैरह पी करके उसके बाद ही हम पकौड़े वगैरह जो भी खाना है, लहसुन प्याज, उसके बाद खाते हैं। और ये आप ज़रूर कीजिएगा कि गर्म पानी से व्रत खोलिएगा, ठंडे पानी कभी ना पिए, गला छिल जाता है, तो इसलिए गर्म पानी अवश्य पीजिए। और ये पूरा पूजा का वीडियो देखने के लिए विधिवत चैनल पे अवेलेबल है, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बिल्कुल आसान और सरल तरीके से मैं पूजा करके दिखाई हूँ, इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बहन, अगर मेरी वीडियो बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।